मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में आरोपी आरती दयाल गुरुवार को जिला कोर्ट पहुंची। आरती के वकील ने पेन ड्राइव और सीज खातों की जानकारी देने के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया है। कोर्ट में इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। कोर्ट इस मामले में 1 अगस्त को फैसला सुना सकती है। आरती के साथ श्वेता सहित अन्य आरोपी हनी ट्रैप मामले में आरोपी हैं। कई महीने तक जेल में रहने के बाद 2 महीने पहले ही उन्हें जमानत मिली है। भोपाल में शाम को तेज बारिश शुरू हो गई। दिन भर बादल छाए हुए थे, कुछ इलाकों में रिमझिम भी हुई। शाम करीब 5 बजे तेज बारिश होने लगी। इधर तेज बारिश से प्रदेश में नदियां उफान पर है, निचले इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। मानसून अब ग्वालियर चंबल में भी खूब बरस रहा है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर 26 साल के आयुष पर जानलेवा हमला हुआ। बुधवार को 13 आरोपियों ने उसे घेरकर हत्या की कोशिश की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी आरोपियों पर NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 8 आरोपी गिरफ्तार कर चुके हैं। सागर के खुरई में भीड़ ने एक मंचले की जमकर पिटाई कर दी। शोरूम में काम करने वाली लड़की गुरुवार को घर लौट रही थी, तभी रेलवे स्टेशन के पास एक अंधेड़ ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंधेड़ हरकत करने लगा, लड़की ने इसका विरोध किया लेकिन वो रुका नहीं। आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार पहुंचे और मंचले की जमकर धुनाई कर दी। थाना प्रभारी रविंद्र सिंह चौहान का कहना है कि इस मामले में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। फिलहाल आरोपी को धारा 151 में जेल भेज दिया गया। मध्य प्रदेश की मंदसौर में कृषि मंडी इलाके के मेन रोड पर गुमटी वाले एक दंपत्ति की ओर से डिप्टी कलेक्टर से मारपीट का मामला सामने आया है। जब उन्हें पता चला कि वे अफसर हैं, तो उनसे माफी भी मांगी गई। हालांकि डिप्टी कलेक्टर ने दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने दंपत्ति की चाय की गुमटी तोड़ दी।